हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता क्या है। तो हमने देखा था कि जो स्केलर फील्ड है, इन स्केलर फील्ड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। और हमने देखा था कि ये जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द इक्वी स्केलर सर्फेस, दैट इज़ द डायरेक्शन इन विच द रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। और हमने देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया था, कि डी फाई अपॉन डी एन, डी एन जो डायरेक्शन ली थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ली थी, मिनिमम चेंज सॉरी मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है फाई में वो डायरेक्शन शो की थी, और एन कैप जो है उस डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर था। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमेशा, ग्रेडियंट जो होगा हमेशा स्केलर फंक्शन का होगा, और ये खुद क्वांटिटी जो आएगी वो कैसी आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। आज जो हम है इसका डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरह से इसका डेरिवेशन होता है, किस तरह से हम इसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस पे बेस्ड हम जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो क्या, आपका डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। थोड़ा सा यदि मैं पीछे वाला देखें तो हमने दो सरफेस लिए थे इस तरह से, एक सरफेस S1 था, एक जो सरफेस था S2 था, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू थी फंक्शन की, स्केलर फंक्शन की, वो फाई थी, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो फाई प्लस डेल फाई थी, डेल फाई। और इनको हमने टू डायमेंशनल स्पेस में लिया था, यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर R था, यहाँ पे कोई पॉइंट Q लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R था। ये सरफेस थे और इसका इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर था वो डेल्टा R था, और इस डायरेक्शन में जो हमने लिया था नॉर्मल डायरेक्शन में सॉरी वो हमने एन कैप लिया था, वेक्टर एन कैप, ठीक है। और ये आपके एक्स एंड वाई डायरेक्शन होगी, ये पॉइंट ओ लिया था, यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया था, इस सरफेस पे जो पॉइंट लिया था क्यू, और यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्शन में लिया था वो पॉइंट हमारा क्या था, आर था, ये पॉइंट पी था, ठीक है। कुछ हो गया, रिमाइंड आया। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, हमने लिमिट भी लगाई थी कि ये जो दोनों स्पेस सॉरी ये दोनों सर्फेसेस जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो है टेंस टू जीरो थी, डेल्टा आर टेंस टू जीरो लिया था। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो मिला था हमें मिला था डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, ये एल्पांस है। हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इक्वी स्केलर सर्फेसिस, लेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी, ये हमने पढ़ा था जब वेक्टर को नोट कर रहे थे, डिनोट करते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप, आई कैप क्या है, यूनिट वैक्टर है इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो आई जे के कैप जो थे वो यूनिट वेक्टर थे इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्टिजन कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से हो जाएगा। अब जो है हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ऑफ डी आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वैक्टर। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करें, सिंस द एंगल बिटवीन एन कैप एंड डी आर इज थीटा। तो हमने ये भी कंसिडर किया था कि इस तरह से था, कलर चेंज नहीं हो रहा, ये जो था ये आपका क्या था, डेल एन था, और ये आपका डेल आर था, और यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था आपका, थीटा एंगल था, ये एंगल जो था वो थीटा था। तो ये थीटा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन केप डॉट डी आर, तो क्या हो जाएगा, डी आर कोस थीटा, और डी आर कोस थीटा वापस से वही जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है आपका, कोस थीटा देखें अपन, कोस थीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में, तो बेस बेस आपका क्या है, डेल सॉरी ये डेल्टा एन था ना, हाँ डेल्टा एन, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन अपॉन कर्ण, तो ये आपका डेल्टा है, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया था ना हमने, पी सॉरी वो पी क्यू आर, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। तो वैसे भी देखें तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो रहा था अपना, डी आर कोस थीटा,
यहाँ पे देखें अपन एन केप डॉट डी आर वेक्टर, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो कोस थीटा एन केप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और डी आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, सॉरी डी आर, तो डी आर कोस थीटा, और ये डी आर कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा डी एन हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में देखें अपन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें एन केप डॉट डी आर की इस वाले में, तो एन केप डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एन, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन मल्टीप्लाई बाई डी एन, तो एन केप डॉट डी आर डी आर कोस थीटा एंड दिस बिकम डी एन, तो डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर जो है आपका क्या आ गया आपके पास डी फाई, ये वैल्यू आ गई डी फाई की। द टोटल डेरीवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये आपका डी फाई आ गया। अब हमें पता है कि जो टोटल डेरीवेटिव है वो क्या है डी फाई, अब फाई हमने किसका फंक्शन माना है कार्टिजन कोऑर्डिनेट में लिया है, तो वो किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो ये क्या आ जाएगा डेल डी फाई इन एक्स डायरेक्शन में, डेल फाई ओवर डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो डेल फाई ओवर डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड, ये आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ते होंगे पार्ट, जो टोटल डेरिवेटिव है उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूनिट वापस चेक कर सकते हो, ये डी फाई था, ये एक्स एक्स यूनिट इनकी कैंसिल होगी, तो यूनिट दोनों तरफ क्या रह रही है आपकी सेम रह रही है। कोई भी इक्वेशन लिख दो आप मैथ्स के अंदर तो हमेशा यही देख दो कि उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, पर जो टर्म है उस पर्टिकुलर टर्म के लिए उसकी और इसकी दोनों का एडिशन तो तीनों का कर ही सकते हो आप। अब यदि हम डॉट प्रोडक्ट देखें कोई भी दो वेक्टर्स का एंड बी का, तो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमने इसका प्रूफ भी किया था याद हो आप लोगों को, तो ए वेक्टर क्या होता है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, ये ए एक्स ए वाई ए जेड इसके क्या थे कंपोनेंट थे ए वेक्टर के ना, ए एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई एंड जेड डायरेक्शन में ए जेड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गए कंपोनेंट हो गए, और इनके क्रॉसपोंडिंग ये क्या हो गए आपके यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बी के लिए आ जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड विथ रिस्पेक्ट टू आई जे एंड के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको वैसे भी पता है कि आई का आई के साथ करते हैं तो क्या आता है वन डॉट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और डॉट प्रोडक्ट में आप क्या लिखते हो कोस थीटा, तो कोस जीरो क्या होता है वन, और कोस नाइन्टी क्या होता है जीरो, तो आई का आई के साथ होगा ए एक्स बी एक्स, अब आई केप का इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये दोनों के साथ में क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो कोस 90 जो है वो जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी ए एक्स बी एक्स, सिमिलरली इसको करोगे ए वाई को, तो ए वाई को किसके साथ करना जे केप के साथ, तो जे केप आई केप क्या हो गया जीरो, जे केप डॉट जे केप क्या हो जाएगा वन, तो ए वाई बी वाई और जे केप का के केप के साथ क्या हो जाएगा जीरो, इसी तरह से के केप ए जेड के साथ करोगे तो के केप आई केप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, के केप जे केप भी क्या हो जाएगा जीरो, दोनों भी परपेंडिकुलर है, और के केप क्या हो जाएगा वन, तो क्या बचेगा ए जेड बी जेड, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को यदि आप लिखना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यदि हम इक्वेशन 4 को देखें यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू, ये एक पूरी टर्म रख लें अलग से, ये जो है आपका डेल फाई ओवर डेल एक्स आई केप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे केप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के केप डॉट डी एक्स डी वाई जेड है, तो आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड, यदि वापस इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं यदि अपन को यही चीज़ वापस मिल जाती तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या होगा आई केप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के केप डेल फाई ओवर डेल जेड, ये था यहाँ पे देखो वापस क्या हो रहा है, क्या आई केप डॉट आई केप वन डेल फाई ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म मिल गई आई केप का जे केप वाली टर्म और के केप वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो परपेंडिकुलर है वंस अगेन, तो जे केप का देखेंगे तो जे केप का किसके साथ एग्जिस्ट करेगा ओनली जे केप के साथ, बाकी टर्म्स क्या हो जाएगी जीरो, तो सेकेंड टर्म क्या मिलेगी आपको डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई, सेकेंड टर्म ये हो गई प्लस के केप, तो यहाँ पे किसके साथ रहेगा ये आई केप के साथ भी जीरो जे केप के साथ भी, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगी टर्म डेल फाई ओवर डेल जेड मल्टीप्लाई बाई डी जेड, तो ये तीनों टर्म मिल गई, इसका मतलब कि इस टर्म को अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस तरह से, तो यदि हम इस डॉट को जो है डी आर लिख दें, ये डी आर लिया था हमने
लास्ट में अभी देखा था डी आर क्या था, डी आर इज दिस वन, आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड। तो ये हमने डी आर लिया था, तो ये आपका डी आर हो गया। अब यदि हम इक्वेशन थ्री एंड सिक्स को कंपेयर करें, सिक्स और थ्री, थ्री में क्या था, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। तो ये वाली जो टर्म है, पूरी टर्म, ये दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ग्रेडियंट ऑफ फाई को। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आई केप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के केप डेल फाई ओवर डेल जेड। तो इन वेक्टर एलजेब्रा जो ये ऑपरेटर है, आई केप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे केप डेल ओवर डेल वाई प्लस के केप डेल ओवर डेल जेड जो है, वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। और जो इसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, डेल से। यानी कि जो ये है, इसको जो रिप्रेजेंट करोगे वो डेल से करोगे, इस तरह का ये उल्टा ट्राइंगल बनता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई, इसको क्या बोलोगे, डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू आई केप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के केप डेल फाई ओवर डेल जेड। तो ये जो है वेक्टर है, विथ रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। तो यहाँ पे आप देखो, अभी मोटा मोटा देखें हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को, तो क्या क्या आया, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑपरेटर ये होता है, क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, कुछ भी नहीं है, आई केप जे केप के केप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। तो ये आपका एक पार्शियल ऑपरेटर है, इसको पूरा नाम बोलेंगे तो क्या बोलोगे, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। जिस भी फंक्शन पे अप्लाई करोगे वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है कि ग्रेडियंट हमेशा जो है वो स्केलर फंक्शन का होगा, कभी भी वेक्टर फंक्शन का नहीं होगा, स्केलर फंक्शन का होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा, और जो ग्रेडियंट ऑफ फाई टोटल जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपकी क्वांटिटी कैसी मिलेगी, वेक्टर मिलेगा, वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर। ये इस तरह के जो आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, उसके अंदर इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये आपकी क्वांटिटी कैसे होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से आप, जैसे फाई मैंने कोई फंक्शन दे दिया आपको, कैसा फंक्शन दे दिया, स्केलर देना है, तो मैंने बोल दिया कि जो फाई है आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, फाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। कुछ भी ले सकते हो, मिक्स भी ले सकते हो वाई जेड का। जैसे दूसरा आपने बोल दिया कि मेरा फाई जो है वो क्या है, एक्स वाई जेड बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, एक्स वाई जेड। तो यदि मैं फर्स्ट लूँ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मुझे पूछना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा ग्रेडियंट ऑफ जो फाई है वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये भी देखना कि ये जो डेल ऑपरेटर वो एक ऐसी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट जो है, सॉरी, डेल जो है इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। और जब ये स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है तब इसका नाम क्या हो जाता है, ग्रेडियंट हो जाता है। तो ये जो डेल ऑपरेटर खुद है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अपन को क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना, ये आपका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालोगे, आई केप डेल फाई ओवर डेल एक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टू एक्स, वही एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो फर्स्ट टर्म इसकी क्या आ गई, टू एक्स, और मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगा, आई केप से, ठीक है। नेक्स्ट किसके साथ करोगे, वाई के, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हो आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको तो क्या लेते हैं, वेरिएबल, और बाकी टर्म्स को क्या मान लेते हैं अपन, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसका जीरो हो जाएगा। फिर इसमें देखोगे तो जेड के साथ भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो इसका आया है वो क्या आया आपका, टू एक्स आई के। तो ये क्वांटिटी कैसी मिल रही है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से यदि आप एक्स वाई जेड का करोगे तो तीनों में क्या क्या टर्म आ जाएगी, देखो सीधा सा देख लीजिए, आई के डेल फाई ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई जेड आपके क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, वो बाहर आ जाएंगे, और एक्स का क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, वाई जेड आई के। सेकेंड टर्म देखोगे तो वाई को क्या मानना है आपको, वेरिएबल, क्योंकि आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो डेल फाई ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा इसका, एक्स जेड बाहर आ गया, वाई का क्या हो जाएगा, फिर से वन, तो जे के वाई
एक्स वाई आ गया, सॉरी एक्स जेड आ गया, इसी तरह से के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड करते हो तो क्या आ जाएगा इसका, जेड का 1 और बाकी कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, तो एक्स वाई तो जो टर्म जिसके साथ है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आई कैप वाई जेड प्लस जे कैप एक्स जेड प्लस के कैप एक्स वाई। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का जो है आप निकाल सकते हो क्या ग्रेडियंट ऑफ ऑपरेटर। जैसे अपन आगे देखेंगे तो हम जैसे फिजिकल क्वांटिटी लेंगे ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसका एक फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि वो उसका क्या पार्ट आ जाएगा, ग्रेडियंट का एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा, उसका एप्लीकेशन या उसको क्या बोलते हैं हम, इसका फिजिक्स में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो सब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी स्केलर का जो है ग्रेडियंट निकालोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वो उसको दिखाएगी कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है उस फंक्शन में कितना हो रहा है। तो इस तरह से आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर था।